गुजरे दिनों एक वीडियो को लेकर लखीमपुर खीरी में सांप्रदायिक उन्माद खड़ा हो गया था, जिस पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल कर्फ्यू लगा दिया, जिससे मामला वहीं सिमट गया। दो दिन तक प्रशासन की सख्ती के बाद तीसरे दिन शहर पूरी तरह शांत हो गया। आज रेंज के DIG ने लोगों से अपील की कि शांति बनाए रखें, वायरल वीडियो पर होगी जांच, वीडियो बनाने वाले व उसके पीछे यदि किसी का हाथ होगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अमन और चैन की व्यवस्था गंगा जमुनी तहजीब पर लखीमपुर शहर में शांति बनाए रखें, धारा 144 लागू रहेगी। शहर से आया फोर्स अभी शहर में रहेगा मौजूद, धरना प्रदर्शन पर रोक लगी रहेगी। जो एक अपमान हो ही चुका दिल पर, और उस अपमान को कितने लोगों को दिखाया जाएगा? तो वो लोग जो इसको कह रहे हैं, जो आनंद लेकर के कर रहे हो, अपने उद्देश्य लेकर कर रहे हो, उसको अभी हम पूरी तरीके से कंप्लीट कराएंगे। दूसरी चीज, हमको इसमें यह भी समझना है कि एक लड़का 17 साल का हो या 18 साल का हो या 21 साल का हो, वो क्यों इस तरीके का वायरल दे रहा है। मैं आपके सामने ये आश्वस्त करता हूं कि हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन लेबोरेटरी में ऐसे व्यक्तियों का नार्को टेस्ट करवाया जाएगा, और नार्को टेस्ट से ही आए किसके कहने पर, किसके दिलासे पर ये काम कर रहे हैं, ताकि इसके पीछे की पूरी डिजाइन समझी जाए। जो भी दोषी हो उसको उसी तरह से NSA पे कार्रवाई की जाए। अच्छा, इसका मकसद क्या है, क्यों ये कराना चाह रहा है? ऐसे लोग, और मेरा मानना है ये फिट केस है, केवल CDR एनालिसिस तक ये सीमित नहीं रहेगा। हमने इसीलिए कहा बेंगलोर में कराना पड़े तो हम वहां पर हम इसमें नार्को टेस्ट जरूर कराएंगे। ऐसे लोग क्या आखिर है क्या वजह, दूध का दूध और पानी का पानी हो, ताकि लखीमपुर की इस जमीन पर दोबारा इस तरीके की चीज करने से पहले लोग कांपे। ये मैं आपको दिलासा दिलाता हूँ, और इसलिए नहीं कि मैं DIG हूँ, इसलिए कि यहाँ की जमीन का ऋण मेरे पास है, मैं यहाँ कच्चा साफ।